हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑडियो सुनने को मिलेगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो SBG ग्लोबल में वर्क कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त ऑडियो है। इस ऑडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप यहाँ पे एक अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। इस ऑडियो के माध्यम से अनिल सर ने खुद कहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक कैसे चलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा। सर नमस्कार। सर नमस्कार रामचंद्र जी, इस समय आप सूट बूट पे कहाँ पे हैं? दिखा देते हैं थोड़ा सा। सर ये हमारे पूरे टीम है सर, बहुत ये अच्छा, मीटिंग ले रहे थे सर टीम को। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। दोनों भाई एकदम सिखा रहे हैं। एकदम लगे हुए सर। कल दो गाड़ी आई है सर अपने घर, अपने फैमिली में, एक टाटा अच्छा है, अच्छा एक आपका ये आया ग्लैंजर। मतलब रियली, मतलब और असली सोल्जर हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस टाइम पे रात में भी मतलब मीटिंग चल रही है, क्या बात है। ये जुनून है जिसकी वजह से SBG चल रहा है। और सर कल गाड़ियां दो निकली है, जिसमें एक तो ग्लैंजर है और एक महिंद्रा XUV 700 है। गाड़ियों की बात ना करिए, गाड़ियां तो बहुत पुराने हो गई। जी सर जी सर। रामचंद्र जी कुछ अगर बोल रहे हैं तो जल्दी बोलिए, टाइम मिला है फिर मिलने का। नहीं नहीं बात से कुछ पूछना बस चाहते सर, चाहते हैं सर से। हाँ तो आप बस सर, फाइनली हम इतना बोलना चाहेंगे कि अभी भी हमारे बहुत टॉप टॉप धुरंधर हमारे बीच में नेटवर्कर और लीडर बैठे हुए हैं, जो 10-15 साल से, और सर यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे अनिल सर सीईओ सर का सिर्फ ये सपना है कि लोगों का सपना पूरा करना, जो नेटवर्किंग के नाम पर मार्केट में जो कलंक फैला है ना सर, कि वो कंपनी आ रहा इतना लोगों का पैसा लेकर चला गया, वो मार्केट से वो कलंक हट जाए, इस थिंकिंग के बाद में। जी सर वो हट जाएगा, हट जाएगा। लोगों को एजुकेट करना होगा, लोगों को सिखाना होगा। क्योंकि क्योंकि देखिए, हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि हम काम करने नहीं आए हैं, पैसे बनाने नहीं आए, क्रिप्टो करेंसी पे राज करने हैं। तो उसके लिए जो करना होगा हम लोग कर रहे हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना होता ना, तो सिर्फ हम लोग SBG की बात करते हैं, 24/7 SBG, SBG, वो SBG, SBG। लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट ही SBG को चलाएंगे। तो हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। बाकी आप लोग एज ए 2-star, 3-star, 4-star, इनका आप लोगों का काम है कि अपने लोगों को एजुकेट करके उनको क्रिप्टो सिखाना, क्रिप्टो में बना के रखना। देखिए पैसे कमा, पैसे के 1%, 2% के भी प्लान मार्केट में आते हैं, तो वो तो इसलिए आते हैं कि भाई पैसे का लालच दे के लेके जाते हैं ना। लोग गुमराह हो जाते हैं कि अरे आप तो 0.5% दे रहे हैं, वहां तो 1 मिल रहा है, जाइए लीजिए ना, एक जो है वो भी चला जाएगा। जी सर ये यही चीज हम थोड़ा मार्केट में बहुत सारे लीडर से मिलते हैं, और यही लोग बोलते हैं कि 10 साल में सभी कंपनी लेके चला गया। तो मैं बोलता हूँ ना कि बाकी कंपनी और हमारे कंपनी कंपेयर कीजिए सर, 16 महीना हो गया है हमारे SBG को, और आप डे वन जिस दिन सर 16 महीना पहले स्टार्ट हुआ था, उस दिन भी बोले थे कि मैं आपके साथ सामने हूँ, और 16 महीने जिस पर कंपनी में कम फंड आ रहा था, और अभी तो सर मुझे लगता है कि पूरे 120 कंट्री से ना जाने करोड़ों खरबों का फंड आने के बाद भी आप सर 2-2 घंटा आप हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आप सीईओ ने हमारे अपने में एक भगवान गॉड के जैसा है, जो आज भी लोगों के लिए खड़ा है कि भैया लोगों को ऐसा लगता है ना सर 16 महीना हो गया अब जाएगा, लेकिन आज खड़ा रहते हैं तो लोगों को लगता है ना। देखिए रामचंद्र जी, मैंने हम लोग कभी ये प्लान ही नहीं करते कि जाना कैसे, हम लोग हमेशा ये प्लान करते करना कैसे, चलना कैसे। जी सर जी सर, जो प्लान करेंगे वही होगा ना, है कि नहीं? जी सर, जो प्लान करेंगे वही होगा। अपना ये प्लान रहता है कि हमेशा चलना कैसे है। और एक चीज अभी हम लोग कमी फील कर रहे थे, जो वो एजुकेशन की फील कर रहे थे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है कि लोगों को एजुकेट करेंगे हम। और जैसे कि लोग प्रोडक्ट में एक लेबल ले लेते थे, तो वहां पर उनको ट्रेनिंग के लिए 2-3 दिन बुलाया जाता था। ऐसे ही अपने यहाँ हम लोग हर 15 दिन पे जो लोग 10,000 या फिर 2,000 का VIP या फिर एक्सपर्ट बन जाएंगे, हर 15 दिन के बने हुए एक्सपर्ट को बुला के ट्रेन करेंगे। तो इस तरीके का मुहिम चलाएंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना क्रिप्टो में कैरियर। तो क्रिप्टो में कैरियर मीन्स प्रोडक्ट में कैरियर, कंपनियों ने कैसे काम किया उस लेवल पे काम करेंगे, तो हम लोग क्रिप्टो में कैरियर लोगों को देंगे।
जी सर बाकी जी एक सर बात का तो वादा मैं बराबर करता हूँ कि भाई देखिए दो लोग एक तो इन्वेस्टर दूसरे वर्कर, दो लोगों का कभी लॉस नहीं होगा, यानी इन्वेस्टर का कभी पैसे का लॉस नहीं होगा और वर्कर का कभी फेस खराब नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल से आए हैं, सब करके आए हैं और पता है कि काम कैसे होता है, सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम केबिन वाले सीएमडी हैं, हम लोग केबिन वाले मालिक हैं जो करना नहीं जानते या फिर पता ही नहीं कैसे किया जाता है। सर जितना बात बोल रहे हैं सर, ये बात ना सर किसी सीएमडी को सामने आकर बोलने का पावर नहीं होता सर। जो ये बात बोले सर, आपको आपको पता है कि आप अगर ज्वाइन है तो आपको प्लान मैंने किया, राकेश जी अगर ज्वाइन है तो मैंने प्लान किया है, आपके साथ ज्वाइन है तो मैंने प्लान किया है, तो आप समझ सकते हैं। हाँ हर समय अभी अपना क्या है, अभी अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डेवलप हो गया इस मंथ में, प्रोजेक्ट डेवलप करके जब हम लोग उतरेंगे तो फिर उस प्रोजेक्ट को लेके आप देखिए ना, मतलब वो कहते हैं ना कि चैप्टर टू शुरू होगा। जी सर गदर टू आया, गदर थ्री आया, उसी तरह से आएगा सर, ये बात। हाँ, उस प्रोजेक्ट को लेके फिर हम लोग बहुत बड़ा हंगामा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो खाली एमएमआरटी का जलवा लोगों ने देखा, अभी तो एसबीजी का थोड़ा सा देखा है। यहाँ ठीक है, एसबीजी टिकने वाला है, बस पैसे देने वाला है। ज्यादातर ऐसे लोगों को लगता है, मैं बोलता हूँ कि अभी ये 15% सिर्फ खिड़की है, अंदर जाइए तब पता चलेगा। हाँ रियली में तो लोगों ने पैसे अंदर आके बनाए हैं, बाहर से देख के तो 15% की खिड़की है। लोगों को लोग बोलते हैं कि लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, लोगों की सोचने पर नहीं जाना है, आप करिए आपको मिलेगा। और सब लोग मैनेजमेंट टीम सब लोग सामने है, फ्रंट पे सब लोग कर रहे हैं और ऐसा कोई कभी नहीं देखा होगा ऐसा कंपनी। जी सर ये दोबारा देखेगा सर, आपको बोलने की जरूरत है, ये दुनिया को दिख रहा है सर, ये 15-16 महीना में सर आप जितना ज्यादा करोड़पति खड़ा किए हैं ना सर, ये दुनिया को दिख गया कि ऐसा कंपनी नहीं मिलेगा जो 10 साल से 15 साल से अभी हम लोग हार मान गए उनके लिए है सर ये। अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल की एक प्लानिंग कर रहे हैं टीएलडी डोमेन की, और टीएलडी डोमेन में 1,00,000 डोमेन बुक करने का टारगेट हम लोग 1 सप्ताह में लेके चलेंगे जी। और वो डोमेन जो बुक होगा वो एमएमआईटी से बुक होगा। टीएलडी डोमेन क्या है कि मतलब आप समझिए, टीएलडी डोमेन ये ऐसी चीज है, आने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाले समय की है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं और आप क्रिप्टो में भी हैं, तो देखिए क्रिप्टो का आपका वैलेट अलग है, फेसबुक का आपका आईडी अलग है, टेलीग्राम का आईडी अलग है, इंस्टाग्राम का आईडी, सबका आईडी अलग है ना। लेकिन आपके घर का एड्रेस तो एक ही है, चाहे आपके घर पे मनी ऑर्डर भेजना हो, चाहे आपके घर पे रिश्तेदार को भेजना हो, चाहे आपके घर पे गाड़ी भेजना हो, घर का एड्रेस एक ही, ऐसे ही डिजिटल एड्रेस एक होने वाला है आने वाले समय में। और वो डिजिटल एड्रेस जो एक होगा वो टीएलडी डोमेन के रूप में होगा, यानी आपका एक एड्रेस होगा, जैसे कि मेरा नाम अनिल है, anil.mmit, आप anil.mit पे कुछ भी भेजना चाहें भेज सकते हैं और उस टीएलडी डोमेन को बुक करने के लिए एमएमआईटी की जरूरत पड़ेगी। और एक बार आपने बुक कर लिया वो फिर उस नाम से दूसरा कोई पूरे दुनिया में नहीं बुक कर सकता, मतलब anil.mit एक ही होगा पूरे दुनिया में। anil.mit को कुछ भी भेजना चाहते हैं तो वो मेरे पास ही आएगा, इस तरीके से वो बहुत ही यूनिक होगा। और अब तक क्रिप्टो में 3-4 क्वाइन इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको लेके आने वाले हैं। तो अपना तो ये है ना कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि पब्लिक प्रॉपर्टी, अपने पास पब्लिक है, लोग हैं, 1,00,000 लोग हैं, 1,00,000 डोमेन बुक होगा। लोग बोलते हैं कि आप कंपनी पैसा लोग कहते हैं कंपनी बहुत पैसा बटोरेगी, बहुत पैसा लिख जाएगी, मैं कहता हूँ कंपनी रहेगी तो पैसा पाएगी। कैसे? 1,00,000 डोमेन बुक होगा और $10 एक डोमेन पे भी अगर मिल गया प्रॉफिट तो कितना हो गया बताइए ना जरा, ये रहने का फायदा है, जाने का। जी सर बिल्कुल सही बोले सर। लोग दूसरे देखे, लोग अलग एंगल सोच रहे हैं, मैं दूसरे एंगल सोच रहा हूँ। मेरा एंगल क्या है, एक प्रोजेक्ट में 1% भी फायदा हुआ तो उससे कितना फायदा हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब प्रोजेक्ट हिट होगा तब जब कम्युनिटी बनी रहेगी, कम्युनिटी रहेगी तो प्रोजेक्ट हिट होगा, तो इसलिए हम लोग को हमेशा कम्युनिटी बना के रखना है। हाँ अपने पास थोड़ी सी कमी है, अपने लोगों के अंदर थोड़ी कमी है कि अपने लोग थोड़ा एजुकेट कम है, क्रिप्टो को लेके अवेयर कम है, क्रिप्टो को लेके मतलब उनका ट्रांजेक्शन को लेके, डिपॉजिट को लेके, बाइंग को लेके, सेलिंग को लेके थोड़ा सा कम जानकारी है, थोड़ा डरते भी है या करना नहीं चाहते, तो यही बस हम लोग को जो जोर देना है, यही सिखाने पर जोर देना है, बाकी इधर से कोई दिक्कत नहीं है।
सिर्फ लोग सीखे रहेंगे तो जो अपडेट होगा उसको स्वीकार कर पाएंगे, सीखे नहीं रहेंगे तो अपडेट से घबराएंगे, जी सर जी, और घबराने से तो काम होगा नहीं। अपडेट तो जो है वो होके रहेगा, क्योंकि कहते हैं परिवर्तन तो होके रहता है चाहे कितने लोग विरोध करें, क्योंकि जो प्रकृति जो सफलता के लिए जो प्रकृति को जरूरी होता है वो करती है ना, आने वाले जनरेशन के लिए समय के लिए। तो ऐसे अपडेट हमेशा लाभ के लिए होते हैं, अपडेट नुकसान के लिए नहीं होते हैं। कहते हैं ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, अगर ठहरा हुआ प्लान और ठहरा हुआ सब मतलब सड़ जाएगा ना, तो अपडेट आएगा तो थोड़ा नयापन आएगा, थोड़ा रौनक आएगी, थोड़ा सा जुनून आएगा, थोड़ा जोश आएगा, थोड़ा कंपटीशन आएगा, थोड़ा उमंग आएगी, थोड़ा लोग भागेंगे, थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा जानेंगे, तो एक नए तरीके का वो पैदा होगा लोगों के अंदर जोश जुनून। तो बस मैंने तो जून मार्च में 11 मार्च को ही बोल दिया था कि भाई अपडेट जरूरी है, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो कंपनी को अपडेट करना पड़ेगा लोगों को, मतलब तो इसलिए थोड़ा सा सीखने के लिए तैयार रहिए। थोड़ा सा मैं बोलता हूँ मैं सीख सकता हूँ, मैं तो रियल सिर्फ था, मैं सीख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, जी सर तो थोड़ा सा सीखने के लिए तैयार रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।